सो जनरल इन्फॉर्मेशन, व्हाट हैव वी लर्न्ड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस चैप्टर? वी हैव लर्न्ड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल. सबसे पहले हमने ये देखा, आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आईज. तो अगर हमने कुछ हेल्प नहीं ली किसी चीज की, वी कैन नॉट लुक, वी कैन नॉट सी दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन जैसे हमने वर्ड यूज करा टू स्मॉल अनएडेड आई, इसके साथ एक वर्ड हम और यूज कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक. मीन्स दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. सो देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमारी थ्री थिंग्स आ रही हैं, बट उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट दे गिव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. बहुत छोटे हैं, एक बात हो गई, कैन नॉट बी सीन बाय अनएडेड आई, या अनएडेड आई कहते हैं, या इसके कई बुक्स में यू विल से नेकेड आई. सो देयर आर डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन उसका जो एक मीनिंग, एक जो जिस निकल कर आ रहा है, देर इज नो चेंज इन डेट. द अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम, डू यू रिमेम्बर, पढ़ा था हमने, फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स. सो दे आर, तो इसका अगर हम एक यूनिवर्सल, एक अगर हम एक वर्ड यूज करें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिवर्सल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सल. सो जैसे अभी हमने करा कि आइस कोल्ड से हमने हॉट, आइस एंड हॉट मीन्स ठंडे गर्म को कंपेयर करा, डेजर्ट टू मार्शी, जहां पानी नहीं है या जहां बहुत पानी है, इस टाइप से वी हैव डन. लेकिन इस सब का एक कंसोलिडेटेड योर टीचर कैन आस्क डैश आर यूनिवर्सल, या डैश डेट कॉज डिजीज आर यूनिवर्सल. सो यूनिवर्सल इज द कंबाइंड वर्ड डेट कैन बी यूज विद ऑल दीज क्लाइमेटिक conditions. Next, जो हमने पढ़ा था, microorganisms are found in air, water and in the bodies of plants and animals. So, देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि where microorganisms are found, आपका 2 marks का question है, तो you have to give this point कि they can be found in any type of environment and they can be found in plants and animals bodies. So, आपको ऐसे mix करके अपने answer को लिखना होगा. So, अब आपको एक तो हमने क्या करा, अपने surroundings की बात करी, कि surroundings में हम जब बात करते हैं तो air, water and soil आ जाता है, ठीक है. दूसरा जो हमने इसका है कि खाली एनिमल बॉडी में मिलता है, नहीं, दे कैन बी फाउंड इन प्लांट बॉडीज. ये इंफॉर्मेशन आ गई. अब अगर हम और उसका डेप्थ में जा रहे हैं, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक इन द प्रीवियस पॉइंट कि ओशन, आपके मार्शी लैंड, डेजर्ट, बहुत ठंडी जगह, आइस कोल्ड प्लेसेस, या इन वेरी हॉट प्लेसेस, दे मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. सो लाइक दिस क्वेश्चन वी आस्क, आप जो सोच रहे हैं बहुत छोटे हैं, वी कैन नॉट सी बाय अवर आईज बाय एंड दे आर वेरी स्मॉल. सो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट ट्रू एंड फॉल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्यूलर, तो आप उसको ट्रू लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो यूनिसेल्यूलर होंगे. नहीं, दैट इज नॉट ट्रू. देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी स्मॉल, बट देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन, तो दे आर मल्टी सेल्यूलर. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. चार्ट हमने आपको दिखाया था, डू यू रिमेम्बर? यस.
अगेन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या मिला, वायरसेस. तो वायरसेस दो डिफरेंट फ्रॉम द एबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स. सो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डैश इज अ वेरी यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या डैश इज अ वेरी यूनिक माइक्रो, तो देन यू नो वायरस. एंड अब इसके साथ आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो उसका आंसर जो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, यू विल कम टू नो, वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हाई क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल सेल. बिकॉज जनरली वेन वी आर टॉकिंग अबाउट, वेन वी आर रीडिंग अबाउट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमें क्या पता चलता है कि हमने कभी उनका वो कहा कि जहां पे भी मतलब इवन जो उनका एक मेन फंक्शन है टू डिकम्पोज द डेड मेटीरियल, हाँ, सो वह या जो हमारा वेस्टेज मेटीरियल है, दे डिकम्पोज, दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू वेरी सिंपल फॉर्म. सो दिस मीन्स व्हेन दे आर सो एक्टिव, हाउ दे आर दे एक्टिव, बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग, देयर नंबर इज गेटिंग इंक्रीज, एंड एज देयर नंबर इज गेटिंग इंक्रीज देयर रिएक्टिविटी इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज. है या नहीं है? तो कहीं हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, हो जाते हैं तभी वो एक्टिव होते हैं. लेकिन वायरस जो होता है वो बाहर अगर अभी एयर में घूम रहा है, इट इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव. लेकिन वंस ये हमारे अंदर या किसी बैक्टीरिया या किसी प्लांट या किसी एनिमल के अंदर चला गया, डेट मोमेंट इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाई. सो डेट्स वाई वायरसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एक क्वेश्चन देखिए, अभी आपको समझ में आ रहा है कि हाउ वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन यू कैन गिव द आंसर कि दे रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन दे आर इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया, डैश मल्टीप्लाइज ओनली इन लिविंग सेल वायरस. सो When you are reading this, just think about किस कितने वे में द थिंग दिस थिंग कैन बी asked एंड प्लान योर आंसर इन डेट वे. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल. ठीक है, ये तो बहुत एकदम क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन किस क्वेश्चन का आंसर यह बन सकता है, कैन, अब आपका क्वेश्चन है कैन बी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज हार्मफुल, then you will say no, we cannot say microorganisms are always harmful because they can be used for commercial production of medicines and alcohol. तो आपके आप अपने बुक खोलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड इफ यू गो थ्रू दिस समरी अ नंबर ऑफ आंसर्स यू कैन फाइंड आउट. सम माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस and clean up the environment. Now if you look at this point and at this point, तो आपका ये किसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि write down the uses of microorganisms. ठीक है, when they say write down the uses of microorganisms, the first point you are going to write this and the second point you are going to write this one. एक क्वेश्चन इस पार्ट पे क्या बनेगा, हाउ ऑर्गेनिक वेस्ट गेट डिकम्पोज्ड, देन यू कैन से ऑर्गेनिक वेस्ट गेट डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली टू द एनवायरमेंट, then you can say कि because they break up organic waste of dead plants and animals into simpler substances, thus helps to clean up the environment. So number of questions, देखिए matter इतना है लेकिन questions uncountable. Protozoans cause serious diseases like dysentery and malaria.
सो एक आपका फ्लिंडरफिन डैश आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्री एंड मलेरिया. यू कैन राइट प्रोटोजोन्स. नेम टू डिजीजेस प्रोटोजोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, देन यू कैन से डिसेंट्री एंड मलेरिया. तो एक बार दिस कैन बी द आंसर, अदर एंड इन द सेकेंड दीज टू ऑप्शन कैन बी द आंसर. Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. So write down the harmful effects of microorganisms. Then you can write this point and you can write this point. So these are the harmful effects of the microorganisms. Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plants. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. तो जैसा मैंने कहा था कि हाउ माइक्रो, अब ये क्वेश्चन आपका जब आप टाइटल देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर प्लांट्स. सो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर प्लांट्स, यू कैन राइट दिस पॉइंट. और ये पॉइंट हमने कई बार डिस्कस कर लिया तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गो इन डिटेल नाउ. Some bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compounds. So, यहाँ देखें हम microorganisms की बात कर रहे हैं. यहाँ पे we are saying some special name, bacteria and blue-green algae. तो name two microorganisms that are responsible to convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds. Then you can say bacteria and blue-green algae. आप ये नहीं कह सकते ये तो हमारी बुक में दे ही नहीं रखा. सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस व्हिच इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. सो ये आपके आ गए हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर प्लांट्स. सो किड्स, व्हाट डिड वी लर्न टुडे? Today, in this last session of chapter 2, we have learned about microorganisms. And we have learned के ये नहीं है कि they are always harmful, they are also useful for us. And how are they useful for animals and for plants? ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया. So अब आपका काम है पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से फिर से रीड आउट करें, जो आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनके आंसर्स लिखें, एंड देन जस्ट चेक जो हमने आपको हिंट दिए, आर यू एबल टू अप्लाई. In the next session, we are going to meet with a new chapter, that is chapter 3. Till then, take care and have a good revision. Bye.